तो सबसे ज़्यादा गुस्सा उन पे लगता है जो सीख लिया और सीख के चले गए विदेश, वहाँ जाके वहाँ काम कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि मैं आप लोग ही सब कुछ है या आप लोगों की वजह से मैं हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, चैनल बनाया, वीडियो बनाऊँ, मैं बोलूँगा कि आप लोगों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। तो जैसा कि आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या कि मैं सिखाता हूँ, यानी कि मैं सिखाता हूँ टिग वेल्डिंग, लेकिन आप लोगों को नहीं बताता हूँ कि मैं सिखाता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लड़के फ़ोन करते हैं मुझे कि मुझे सीखना है, लेकिन आप लोगों को मैं नहीं सिखाता हूँ। और बहुत सारे लड़के कहते हैं कि सिखा रहे हैं आप, लेकिन हम लोगों को मना कर रहे हैं। तो मैं वही चाहता हूँ कि मैं दिखा देता हूँ अपना सेटअप जो भी है। शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसे कि ये देख लीजिए, गेट है मेरा, यहाँ से घुसा जाता है। और यहाँ जो है ये देखिए, ये पूरा फैक्ट्री, यहाँ दूर से आप देख लीजिए, ये थोड़ा बड़ा, ज़्यादा ही बड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा कैमरे में दिखाई दे रहा है। वैसे ये देखिए, ये मशीन है, ये बफिंग मशीन है। बाकी वहाँ टाइल्स लगा हुआ है लेवल चेक करने के लिए, कोई भी चीज़ का अड्डा है वहाँ। और वहाँ जनरेटर रखा हुआ है, ये देख लीजिए, वो जनरेटर है। और वहाँ जो है वो पिलर ड्रिल है। बाकी ये जो सामान है, ये बहुत दिनों से बन के रखे हुए है, जा नहीं रहा है, अब जाएगा, मतलब ये थोड़ा सरकारी काम है इसीलिए। और ये देखिए, वहाँ जो है वहाँ कटर मशीन रखा हुआ है। और बाकी वहाँ भी एक दो मतलब मशीनें हैं जो भी है ग्रेनिंग वगैरह करने के लिए। और वहाँ स्टॉक है माल, वहाँ पाइप रहता है, वहाँ जो भी है। और ये मेरा बेंडिंग मशीन है, आप देख सकते हैं। मतलब आप लोगों को अगर लगता है कि मैं आप लोगों को झूठ बोल रहा हूँ, तो यही मेरा ये है, मतलब मेरा अड्डा है जो भी है। और यहाँ जो मैं वीडियो बनाता हूँ, ये देख लीजिए आप, ये तो अच्छे से जानते हो कि पीछे देखिए बैकग्राउंड में वही पर्दा रहता है मेरा हमेशा, तो वही है मेरा अड्डा। और मैं वही वीडियो भी बनाता हूँ और इसी पर काम भी होता है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उसको वीडियो बनाने के लिए रखा हूँ, मतलब इस पर ही काम होता है, जो बिल्डिंग का काम होता है, जो भी मतलब जैसे कि फर्नीचर वगैरह बनाना हुआ या कुछ भी, तो उसी पर होता है। बाकी यहाँ एक गेट बन के रखा हुआ है, देख लीजिए, स्लाइडिंग गेट है, अभी तैयार नहीं हुआ, काफ़ी इसमें काम बाकी है। तो यही है, देख लीजिए, अगर आप लोगों को लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ आप लोगों से कि मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ और आप लोगों को नहीं सिखा रहा, तो यही है जो भी है। अगर मानते हैं, अगर कन्फ्यूज़न है आप लोगों को इसके अंदर, ये देख लीजिए, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, बस ये मशीन वगैरह है या बाकी छोटा मोटा कुछ सामान रखा हुआ है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। मतलब मशीन जो मेरे पास एक ही है, वही है, ये एक मशीन। और एक दूसरा मशीन जो आर्क मशीन है, वो आप लोग भी देखे होंगे कई बार, मशीन उधर पड़ा हुआ कहीं पर दिख नहीं रहा है अभी। तो यही है, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ आप लोगों को, और मतलब आप लोग मतलब सोच रहे हैं ऐसा कि मैं, कई लड़के ऐसा बोल दिए मुझे कि मुझे नहीं बुला रहे आप लोग, मुझे नहीं बुलाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं सबको बुलाना चाहता हूँ, सबको सिखाना चाहता हूँ, लेकिन है ही नहीं तो मैं क्या करूँ, इसीलिए तो मैं वीडियो बना के आप लोगों को सिखा रहा हूँ। बाकी हाथ दर्द हो गए यार पकड़ पकड़, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करता नहीं हूँ, और आज ब्लॉगिंग करने के स्टाइल में थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए। तो यही मैं दिखाना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है, और बहुत सारे लोग फ़ोन जब करते हैं तो मुझे बोलते हैं कि मुझे आना है, मुझे सीखना है। तो भाई मैं मना नहीं कर रहा हूँ किसी को आने के लिए या किसी को सीखने के लिए, लेकिन हाँ, पर्सनली मैं वेल्डिंग नहीं सिखाता हूँ। मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ और बार बार मैं बोलता हूँ कि पर्सनली मैं वेल्डिंग नहीं सिखा सकता हूँ। उसके लिए मैंने कुछ करने के लिए सोचा है, जैसे कि इंस्टीट्यूट वगैरह या कुछ बनाने के लिए मैंने सोचा है, लेकिन अभी नहीं, अभी उसके लिए टाइम है, पता नहीं कब तक होगा, लेकिन मैं वेल्डिंग सिखा नहीं रहा हूँ। जो भी है लड़के यहाँ आते रहते हैं जो, उन्हें मैं सिखाता हूँ। तो काफ़ी लोगों का कन्फ्यूज़न था, तो मैंने सोचा चलो अपना यही दिखाई देता हूँ। बाकी जो सेटअप है, मैं कैसे वीडियो बनाता हूँ और क्या क्या यूज़ होता है, वो तो मैं बाद में दिखा दूँगा, बट मैंने यही दिखाया कि ये एक वर्कशॉप है, और ये अरुणाचल प्रदेश में है, रोइंग में। अगर कोई यहाँ के लोग हैं जो देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश से, तो उनके लिए मैं बता दे रहा कि रोइंग में है, 7 मेगा 7 किलो में फ़िलहाल। बाकी उसके बाद कहीं और भी जा सकते हो, वो बात अलग है, बट मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मेरे इंस्टाग्राम पे दिया हुआ, और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो यहाँ के लोग जो भी हैं, या आसाम के, तिनसुकिया जो नज़दीक है, अगर यहाँ कुछ लेना चाहते हैं वो आके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, एड्रेस चाहिए, तो गूगल में जाइए आप, हुसैन स्टील फर्नीचर रोइंग डॉट सर्च करिए, आपको मेरा साइट मिल जाएगा, वहाँ मेरा एड्रेस दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। तो बस यही है, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दो, कुछ ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बार बार ये फ़ोन कर रहे हैं, मतलब 10 दिन से कुछ ज़्यादा ही ये बात हो रहा है, इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ। क्योंकि जब देखो फ़ोन कर रहे हैं कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे बुला लीजिए मुझे, लेकिन बात यह है कि अरुणाचल में आने के लिए सबसे पहले आपको इनर लाइन परमिट लगता है, वही बनवाना पड़ता है। और इनर लाइन परमिट डायरेक्ट गेट से 1-2 दिन के लिए ही मिलता है, अंदर आने के बाद ही आप 1-2 महीना का बनवा सकते हैं, वो भी एक रीज़न है। खैर वो बात अलग है, वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है, ठीक है, अच्छी बात है, बट वही है, मैं आप लोगों को बुला के सिखा नहीं सकता हूँ। हाँ हाँ यहाँ के लड़के हैं जो वो सीख रहे हैं, वो काम आके सीख रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन आप लोगों के साथ मैं धोखाबाजी नहीं कर रहा, आप लोगों के साथ ऐसा नहीं है, मैं सिखा रहा हूँ यहाँ के लोगों को और आप लोगों को नहीं सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने दिखा दिया। क्योंकि बहुत सारे लड़के बोल रहे थे कि आप सिखाते हैं तो, नहीं तो आपको इतना नॉलेज कैसे है, आप इतना अच्छा कैसे समझाते हैं।
तो मैं समझाता हूँ क्योंकि मैं वेल्डर हूँ ऑलरेडी, इसीलिए मैं समझा पाता हूँ अच्छे से। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ और आप लोगों को नहीं सिखा रहा हूँ, आप लोगों को नहीं बुला रहा हूँ। हाँ, अगर ऐसा होता है इन फ्यूचर, अगर इंस्टीट्यूट में बनाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं बुलाऊंगा, सबको बुलाऊंगा। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं इंस्टीट्यूट बनाता हूँ तो मैं फ्री में थोड़ी ना चलाऊंगा, कोई को भी सिखाऊंगा तो पैसा तो लूंगा ही। तो जब मैं पैसा अगर लूंगा तो क्यों नहीं आप लोगों को बुला सकता, किसी को भी बुला सकता हूँ, कोई भी आकर सीख सकता है। बट ऐसा मत सोचिए अभी कि मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ और आप लोगों को नहीं सिखा पा रहा हूँ। बाकी जो अभी जो मैं वीडियो के थ्रू सिखा रहा हूँ वही चीज़ मैं बाद में इंस्टीट्यूट में भी सिखाऊंगा, लेकिन वीडियो कम से कम बना के सिखा तो दे रहा हूँ ना कम से। तो सबसे ज़्यादा गुस्सा उन पर लगता है जो सीख लिया और सीख के चले गए विदेश, वहाँ जाके वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ पैसा कमा रहे हैं। अरे भाई, इंडिया में रह के भी तो कुछ कर लो, इंडिया में रह के भी पैसा कमा लो, सिखा दो किसी को, भला हो जाएगा। लेकिन चलो मानते हैं भला नहीं होगा, लेकिन इंडिया में भी पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है वेल्डर लाइन में या पोजीशन वेल्डिंग जो होता है उसमें पैसा नहीं, उसमें इंडिया में भी अच्छा खासा पैसा है। लेकिन जितने अच्छे अच्छे वेल्डर हैं जो वो विदेश जाके वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ पैसा कमा रहे हैं, तो यहाँ के लोगों का क्या होगा, ये भी बात है। बात यह है, तो बात यह है कि मैं भी अकेले क्या कर सकता हूँ, ठीक है, ये भी बात है। मैं अपना छोटा मोटा वर्कशॉप चला रहा हूँ तो उसे मैं क्या ही कर सकता हूँ। हम मानते हैं यूट्यूब अगर उतना देता है मुझे या इन फ्यूचर अगर उतना होता है तो मैं इंस्टीट्यूट बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे ये बात बोल रहे हैं कि आप इंस्टीट्यूट बनाइए बनाइए। तो इंस्टीट्यूट बनाने के लिए पैसा भी लगता है भाई, खर्चा लगता है, ऐसा नहीं है। बाकी मेरे चैनल का व्यूज़ वगैरह देख के आपको तो पता होता ही होगा कि कितना ही अर्निंग होता होगा, कुछ नहीं है, वो तो कुछ नहीं है देखा जाए तो, उससे क्या ही कर पाता हूँ। खैर, मैं आप लोगों का सिंपति नहीं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे दें या मेरे लिए करिए, मैं ये नहीं चाहता, मैं ये कभी नहीं चाहता हूँ, और ये बात आप लोग भी जानते हैं। क्योंकि मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि आप लोग ही सब कुछ है या आप लोगों की वजह से मैं हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, चैनल बनाया, वीडियो बनाऊँ, मैं बोलूँगा कि आप लोगों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ तो ये भी गलत है, क्योंकि मैं खुद का भी देख के कर रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगा आप लोगों के लिए, मैंने अपना भी तो देखा ना। मैं अगर फ्री में मानता है, फ्री में अगर ये सब होता तो मैं करता क्या, नहीं करता, ऑब्वियसली नहीं करता, कोई भी नहीं करेगा। लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, आप लोग ही सब कुछ है। मैं ये बात नहीं कहूँगा आप लोग सब कुछ है, आप लोग अगर बुरा लगता है कोई दिक्कत नहीं, मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बात नहीं बोलूँगा कभी भी। मैं अपने फ़ायदा के लिए भी कर रहा हूँ, और हाँ, आप लोगों का फ़ायदा हो रहा है, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा आप लोग ही मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो बैठा है ना वही सब कुछ करता है। सबसे पहली बात तो ये है, और उन पर विश्वास होना चाहिए सभी को, चाहे जो भी धर्म के हो। क्योंकि मैं अक्सर वीडियो में, कोई भी वीडियो में लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, उसके बारे में मैं हम कभी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं अगर वीडियो अच्छा बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली लाइक जिन्हें करना होगा करेंगे, सब्सक्राइब करना होगा करेंगे। लेकिन भी मेरा वीडियो में अच्छा खासा व्यूज़ होते हुए उस हिसाब से सब्सक्राइब लाइक्स नहीं आता, फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग करेंगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं, मेरा मर्जी भाई, मुझे वीडियो बनाना हो मैं बनाऊंगा, आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं वीडियो बनाना होगा मैं बनाऊंगा, जो वीडियो बनाना होगा मैं बनाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने मर्जी से बनाऊंगा, बहुत सारे वीडियो हैं जो आप लोगों की मर्जी से बनाता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कभी भी आप लोगों की वजह से जो भी है मेरा है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि यूट्यूब में मुझे कुछ नहीं देता है, देखा जाए तो मेरा जो बिज़नेस है आप लोग तो देख ही चुके हैं, आप लोग देख ही चुके, जो बिज़नेस है, जो मेरा काम है, उसके ही मेरा हो जाता है, मतलब उतना हो जाता है जितना यूट्यूब में जो है नहीं दे सकता, शायद आगे चल के भी नहीं दे सकता है उतना भी मुझे यूट्यूब। तो मुझे यूट्यूब पे मैं डिपेंड नहीं हूँ, और चलो ठीक है, मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब जो है वो सिर्फ पैसा कमाने का ज़रिया नहीं है, और भी बहुत कुछ है, जैसे कि नाम भी कमा सकते हैं और भी बहुत कुछ है, तो अपने अपने ये लेके आते हैं। तो मेरे पास स्किल्स है, और तो मैंने सोचा चलो किसी को सिखा देता हूँ तो अच्छी बात है, अगर कोई सीखते हैं तो अच्छी बात है, ये भी है, क्योंकि हर चीज़ में पैसा भी नहीं देखा जाता है। खैर, वो बात अलग है कि पैसा मिल रहा है मुझे, अगर मुझे नहीं देखना होता तो मैं चैनल मोनेटाइज नहीं कराता, ये भी बात सही है। लेकिन हाँ, अगर मैं उतना कर रहा हूँ तो मुझे वो चाहिए, तो यही बात है। और ये सब बात मैं नहीं बोलता, लेकिन बहुत सारे बात मैंने सुना, इतने दिन से वीडियो नहीं आ रहा तो उसके बीच में मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं क्या क्या, तो थोड़ा बुरा लगता है, ठीक है, क्योंकि जब इतना अच्छा काम कर रहे हो और कोई कुछ बोले तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे सिंपति नहीं चाहिए आप लोगों को, और कौन क्या कर रहा है उसके बारे में मैं नहीं बता, हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं जो देखते हैं कि हाँ इतना जल्दी उसका सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो जलते हैं तो वह सब करते हैं, चलो ठीक है करो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे वीडियो डालना होगा मैं डालूंगा, मुझे वीडियो बनाना होगा बनाऊंगा, नहीं बनाना होगा नहीं बनाऊंगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। लेकिन भी लगता है अंदर, इसीलिए मैंने सोचा चलो बोल ही देता हूँ, तो इसीलिए मैंने बोल दिया, इसीलिए मैं अपने सेटअप पे नहीं बना रहा हूँ, जैसे इधर उधर घूम के बना रहा हूँ, ताकि थोड़ा अलग। बाकी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें अच्छे से पता है कि मैं कैसा वीडियो बनाता हूँ और मेरे वीडियो में कितना दम रहता है, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या लिख रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में।